हम बहुत मजबूरी है, मजबूर से उनकर पिताजी हाँ हाँ टैक्सी कलकत्ता में चला के अपन। तो हमको डर लगता था कि किसी से झगड़ा मत कर दे बॉल लगने पर, हाँ कोई जीतो हार में झगड़ा हो जाता है। तो खेल कर आता था तो उसको समझाते थे कि भाई तुम अच्छा से खेलना, कहीं झगड़ा वगैरह मत करना। अच्छा, तो ऐसे कभी ये भी होता होगा ना कि आप खेलते खेलते गुस्सा हो जाते होंगे वो उन ज़्यादा खेलने पे, क्योंकि वो नशा है। हाँ तो नशा, तो उसको हम बहुत मतलब खीस पड़ता था कि द्वार तो किसी तरह नहीं जाने देंगे, लुका छिपा कर जाता था। और बिहार का नाम रोशन क्या कहे, ठीक है खुशी है हम लोग, खूब खुशी है हम लोग, तकदीर में अच्छा है। तो अब तो पूरा हिंदुस्तान देखी, पूरा वर्ल्ड देखी उनका। क्रिकेटर डरते थे, खौफ था उस बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर देना, इस गोपालगंज के लाल, इस बिहार के लाल ने किया है तो वाकई में बहुत टैलेंटेड है। और ये टैलेंट का उनका आज फायदा मिल रहा है कि आज वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भिड़ेंगे। जरूर, वीरेंद्र सहवाग, मनीष पांडे और केएल राहुल तीनों को बोल्ड किए हैं। केएल राहुल को भी? हाँ केएल राहुल को भी। मनीष पांडे को 2019 में जो कलकत्ता टीम गई थी सेमीफाइनल में उन्हीं के दम पे, उसमें 7 विकेट लिए। आपने वीरेंद्र सहवाग के बारे में सोचे होंगे कि एक बॉलर था जो कह रहा था कि मुझे सपने में भी वीरेंद्र सहवाग मारते। तो ऐसा जो मुकेश जो बोल्ड किया है अभी कोई शायद नहीं की सूचना बोल रही थी कि का खेला था ऐसे का। हाँ तन बचपन में खेला, खाना पानी ना खास खेलही में रहो तो तन मैंने खुशियाँ ही जे तू कहाँ खेले जाता रहो, कहाँ इसी को तरह खाना पानी नहीं खो, बाकी फिर भी उनका चाहट रहे माने जरिए से खेले खाते। हाँ नशा जी माने खेलते खेलते अपना वहाँ के न्यूजीलैंड से। पहले का कहावत ये था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे बेकार, लेकिन आज वो चीज़ बिल्कुल गलत साबित किया है एक टेम्पू चालक के लड़के ने, या सीधे तौर पे कहें कि बिहार के लाल ने किया कमाल। यही एक वो घर है जहाँ से इस गांव से वो जो लड़का है इंडिया ए टीम के लिए सिलेक्शन हुआ है, यानी कि अब वो नीली जर्सी में इंडिया टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। उनका घर यही है, अभी हम गोपालगंज के काकरकुंड में हैं और अभी हम मुकेश जी के घर पे हैं। और ये उनका परिवार है जिस परिवार में अभी खुशी की लहर है, क्योंकि उनका चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हो गया है, इंडियन क्रिकेट ए टीम में हो गया है। अब वो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो भिड़ेंगे, तो ये पूरा परिवार वाले अभी खुशी का माहौल। हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्रिकेट का जो सफ़र रहा, क्योंकि पहले जो गांव में लोग खेलते थे तो उसे लोग गलत नज़र से देखते थे, मना करते थे कि ये सब का करता रहा, ये सब वर्ड आता था कि ना चाचा। मुकेश जी के कहानी कह रहे, अरे कहानी तो पहले हम लोग इतने मालूम नहीं था ये क्रिकेट क्या चीज़ है, हाँ लेकिन ये जब खेलने लगा तो हमको डर लगता था कि किसी से झगड़ा मत कर दे बॉल लगने पर, हाँ कोई जीतो हार में झगड़ा हो जाता है। तो खेल कर आता था तो उसको समझाते थे कि भाई तुम अच्छा से खेलना, कहीं झगड़ा वगैरह मत करना। अच्छा, तो ऐसे कभी ये भी होता होगा ना कि आप खेलते खेलते गुस्सा हो जाते होंगे वो उन ज़्यादा खेलने पे, क्योंकि वो नशा है। हाँ तो नशा, तो उसको हम बहुत मतलब खीस पड़ता था कि द्वार तो किसी तरह नहीं जाने देंगे, लुका छिपा कर जाता था। हाँ लुका छिपा आते थे तो पूछते थे कहीं झगड़ा नहीं हुआ, तो नहीं झगड़ा नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है। लेकिन बाद में जब ये गोपालगंज दौड़ने लगा फील्ड में जाकर, तो उसका हेल्प अमित बाबू और सुभाष बाबू जिला परिषद हेल्प दिए, उसके बाद हमको ये विश्वास होगा कि ये लड़का जो है कुछ ना कुछ करेगा। तो उस दिन से उस पर निगरानी करने लगे कि भाई ये लड़का कुछ कर दिखाएगा। अच्छा, कहाँ तक सच्चाई है, लोग कह रहे हैं कि उनके पापा जी टेम्पू चलाते थे या टेम्पू का बिजनेस करते। अरे हम लोगों का कलकत्ता में गाड़ी का कारोबार था, हाँ हम ही एक ठो घर पर रह गए और टोटल भाई कलकत्ता में रहते थे, तो हमारा काम था लड़कों को देखभाल करना, किसी के द्वार पर नहीं जाना है, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना है। हाँ हमारा वही जिम्मेवारी था जो किसी के द्वारा जो पर नहीं जाना है, किसी से झगड़ा नहीं जाना है, कोई नशा भी नहीं करना है। हाँ तो उसी देखभाल करते करते हम अपना सब भगवान का कृपा से सब लड़का ने अपना लाइन पकड़ लिया, हाँ एक भी लड़का घर पर नहीं है। अच्छा, उनके पिता की कब डेथ हो गया आपको? 2019 में, हाँ 2019 में यहाँ से ठीक ठाक गए और भगवान का कृपा। हाँ जिसका पिता नहीं होता है वाकई में वो दौर गुजरता है, हम भी गुजरे हैं इस दौर से, और जब सफलता मिल जाती है तब वो और
महसूस करते, मतलब उनके बयानों को, मतलब वो उनके पिताजी होते आज तो बहुत खुशी होती इस घर में, डबल खुशी होती, हालांकि खुशी तो है लेकिन डबल खुशी होती, लेकिन उनके पिताजी नहीं है, जहाँ है वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहें चाची? हम बहुत यानी ये बहुत हम खुश बनी, हमारा लड़का आगा बढ़ल बढ़े पहुँच के इस आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, अपना दिल से कहते हैं हमारे आशीर्वाद से आगा बढ़ल बढ़े, हम बहुत बहुत खुश बनी। आ हम बहुत मजबूरी है, मजबूर से उनकर पिताजी हाँ टैक्सी कलकत्ता में चला के अपन कारोबार करते हैं। अच्छा तो कबो रोवलगन ई खेलत हो गए, हम तो कबो रोवलगन के खीस उसना बोलत हो कि का खेलत रहे से का। हाँ तन बचपन में खेलत, खाना पानी ना खास खेलही में रह, तो तन मैंने खिसियाँ जे तू कहाँ खेले जाता रहो, कहाँ इसी करता रहा, खाना पानी नहीं खो, बाकी फिर भी उनका चाहट रहे मैंने जरिए से खेले खाते। हाँ नशा जी मैंने खेलते खेलते अपना वहाँ के न्यूजीलैंड से खेले, कब हाँ। खेले कब मैच हैं एक तरीके मैच हाँ एक तरीके तो फोन उनका के बात भी हाँ बात बराबर हो रहा है। कलकत्ता में बने की कलकत्ता में बड़े हुए बेंगलोर चल गए। हाँ अच्छा ठीक, तो वहाँ का तो बहुत भावुक हो गए अभी कहे से कि अगर पापा जी वहाँ के रहती तो अलग माहौल। हाँ पापा जी रहती तो फिर माता है तो माता का खुशी बानो, माता के बहुत खुशी बाटे जे हमार लड़का कहाँ ले चहुप गए, बहुत खुश बनी हम बहुत खुश बनी। ये माँ की ममता है और माँ बहुत खुश है क्योंकि इनके जो बेटे हैं इंडिया ए टीम में सेलेक्ट हुए हैं और वो एक तारीख को न्यूजीलैंड से भिड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो प्लेइंग एलेवन के हिस्सा रहेंगे, क्या वो प्लेइंग एलेवन के हिस्सा रहेंगे? जरूर जरूर हम लोग का पूरा सहयोग रहेंगे, हम लोग साथ ही में खेलते थे पहले इधर घर, हाँ साथ ही में हम लोग जाके खेलते थे, कहीं मैच होता तो मुकेश भाई बोलते थे टॉस जीतो पहले हम लोग बल्लेबाजी करेंगे, तो हम लोग अगर 70-80 रन भी बना देते तो विपक्षी टीम को वो अपने दम पे 50-40 के अंदर आउट करते, हम लोग मैच जीतते थे उन्हीं के दम पे, हम लोग कहीं जाते थे कहीं मैच खेलते थे बॉल में धार था। हाँ धार था, कहीं हैट्रिक लेते थे, मतलब अगर एक ओवर में अगर 6-7 रन मारना था ना तो टीम को हम लोग जिताते थे, बहुत कहीं जाते थे हम लोग आखिरी ओवर उन्हीं को दिया। हाँ उन्हीं को वो पूरा निर्णय वही करते थे किसको बॉल डालना है क्या करना है सब कुछ, हम लोग साथ में जाते थे सब खेला वाला साथ ही में होता था। मैंने गेम जो है क्रिकेट जो है क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, खेल अपना प्रतिभा से खेला जाता है साथ साथ दिमाग से भी खेला जाता है, कब किसको प्रयोग करना है वो सारी भूमिका उनके में है। हाँ पूरी पूरी उनकी भूमिका है पूरी, जब आते हैं तो बताते हैं हम लोग को ये करना ये करो, गांव के जो भी है लड़के साथ में जो हम लोग खेलते हैं अभी अभी बात होती है। हाँ होती है होती है, अभी तो गए आपको 11 या 12 तारीख को गए वो यहाँ से, तो बात होती हुआ हाँ तो ये नहीं मालूम था सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ बाकी जब मालूम चला तो बहुत अंदर से खुशी हुई। अच्छा हमने ये भी सुना है कि उनका सबसे पहला विकेट अगर कोई है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग। हाँ वो 2016 में लिए थे, 16 में लिए थे हरियाणा के खिलाफ सहवाग थे, इधर से पहला विकेट उनको क्लीन बोल्ड किए थे वो भी, हाँ हाँ क्लीन बोल्ड। आप जानते होंगे कि वीरेंद्र सहवाग किस तरह के बल्लेबाज थे, उनके नाम से विदेशी क्रिकेटर डरते थे, खौफ था, उस बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर देना इस गोपालगंज के लाल, इस बिहार के लाल ने किया है तो वाकई में बहुत टैलेंटेड है, और ये टैलेंट का उनका फायदा मिल रहा है कि आज वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भिड़ेंगे। जी वीरेंद्र सहवाग, मनीष पांडे और केएल राहुल तीनों को बोल्ड किए हैं, केएल राहुल को भी, मनीष पांडे को 2019 में जो कलकत्ता टीम गई थी सेमीफाइनल में उन्हीं के दम पे उसमें 7 विकेट लिए। आपने वीरेंद्र सहवाग के बारे में सोचे होंगे कि एक बॉलर था जो कह रहा था कि मुझे सपने में भी वीरेंद्र सहवाग, तो ऐसा जो मुकेश जो बोल्ड किया है अभी कोई शायद नहीं, आज यूट्यूब पर देखिए सर्च मार के अभी भी दिखाता है। अच्छा मुकेश जी से बात हो पाएगी क्या, अभी कोई कॉल लगा देगा क्या, हम लोग ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं, लगाइए ना फोन थोड़ा। आप उनके? हम उनके चचे हैं। चचे हैं तो पूरा हमारा नाम धर्मनाथ सिंह है, हम उनके चचे हैं। तो मिठाई उठाई बटाई लगा मैं मटाई 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 हाँ अब मटाई। फिलहाल यहाँ गांव में पूरा खुशी का माहौल और मीडिया का तांता लगा हुआ है क्योंकि इनके लाल ने वाकई में वो कारनामा कर दिखाया है जिसके लिए पूरा जो खेल प्रेमी है चाहे क्रिकेटर है वो चाहते हैं कि उस जगह पे जाएं और नीली जर्सी में एक सपना होता है और इस गोपालगंज के लाल और इस बिहार के लाल, लेकिन उनका चयन कलकत्ता से हुआ है कि यहाँ से हुआ है?
कलकत्ता बोर्ड से हुआ कि बिहार में? नहीं, कलकत्ता यहाँ कोई मने आता ही नहीं था, यहाँ पे कोई मने आता ही नहीं था, इसके लिए वो चले गए कलकत्ता। एक एक्सीडेंट हुआ कहीं, ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ये एक थप्पा भी है, एक मतलब क्या है कि गोपालगंज से ना खेल के उनको बंगाल से खेलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। हाँ है, उसके लिए वहाँ कोई मने आता नहीं था, देखें जब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए वहाँ से कलकत्ता चले गए। एक बार एक्सीडेंट हुआ, उसके एक महीना बाद वो यहाँ से चले गए। वहाँ जाके उनके पापा बुलाए, बोले यहीं आओ, तो वही चोट लगा था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग साथ ही में थे। उसके बाद एक महीना बाद वो निकल गए दोनों आदमी। ये बच्चे जो हैं आपके कौन है, चाचा जी हैं? अंकल जी हैं। अंकल जी, आप तो टीवी में नजर आएंगे अंकल जी। हाँ, कब देखना है कब? अंकल जी कहाँ, मैंने क्या चीज में टीवी में नजर आएंगे? क्रिकेट में। पहले टीवी में देखे थे उनको? नहीं। अब देखेंगे? हाँ। कौन तारीख को? एक तारीख से। हाँ, ये लड़के खुश हैं क्योंकि वो अब नेशनल चैनल पे साथ साथ इंडियन क्रिकेट टीम मतलब इंटरनेशनल टीम में के हिस्सा हो गए वो, और वो खेलेंगे। फिलहाल हम क्या कहें, बात हो नहीं पा रहा है। अरे आउट ऑफ सर्विस है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? हम पे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं सब लेके हम। मैं उनका बड़े भाई हैं। एक छोटा सा गांव का लड़का, एक छोटा सा गांव में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक उभर के आ गया। और क्या, अच्छा क्या संदेश दीजिएगा उन माता पिता को जिनके लड़के किसी चीज़ में रुचि रखते हैं, जो मतलब पूरे दिल से खेलना चाहते हैं, जैसे आप लोग बताते थे कि वो पिछवाड़ा से भाग जाते थे खेलने के लिए? अब तो हर बच्चों को सपोर्ट देंगे, खेलने वाले बच्चों को सपोर्ट देंगे कि अब इसको मना करना उचित नहीं है। जो मैं, वाकई में अब टाइम पास के लिए नहीं, जो मन लगाए उसके लिए, मन लगाए वो निकल जा, कोई रोकेगा नहीं उसको। जैसे इनके घर वाले ये बता रहे हैं कि उनको मना करने के बाद वो पिछवाड़ा से चले जाते थे, गली से चले जाते थे, जंगला से कूद के भाग जाते थे। क्रिकेट खेलने का इतना अच्छा रुचि है, आज उसका वो फल मिला है। फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे, ये वीडियो में कैसा लगा, और सबसे बड़ा बात ये है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा, और साथ साथ यहाँ के नेताओं को भी ये ध्यान देना है कि जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मौका मिले, ताकि इनको बंगाल से खेलना पड़ रहा है लेकिन ऐसा सिचुएशन ना आए कि जो बिहार के बच्चे हैं वो अदर स्टेट से जाके खेले। इसके लिए, क्योंकि बिहार में बहुत ऐसा टैलेंट है, एक छोटा सा मुकेश आज वो कर दिखाया है जो पूरे हिंदुस्तान उनको सलाम कर रहा है। बड़े पापा जी हैं वही मुकेश जो गोपालगंज और बिहार का नाम रोशन, क्या कहें? ठीक है। हाँ, खुशी है हम लोग। हाँ, खूब खुशी है हम लोग। तकदीर में अच्छा है तो अब तो पूरा हिंदुस्तान देखिए, पूरा वर्ल्ड देखिए उनका। जो हो गए, हम कलकत्ता में हम लोग रहते थे, वहीं जाके खेलने लगे, तो पैर भी लगा क्लब में, भर्ती हो गए, टैलेंट था। हाँ, खेलने लगे, उनका तो अच्छा ही है। पापा, उनका पापा कभी मना करना करते? वो तो लेके गए यहाँ से कलकत्ता, आरजीकल में भर्ती करवाए, वहाँ से ख़त्म हो गए, फिर लेके यहाँ आके फूका फाका आदमी हो गया।